हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स पार्ट टू, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था और इसके बाद राजस्व व्यवस्था के बारे में जाना था। नेक्स्ट उसके आगे जो भी न्यायिक व्यवस्था और उसके जो अन्य कार्य हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक सुधारों के बारे में। आज न्याय में काफ़ी सुधार किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। न्यायिक सुधारों के संबंध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अधिक सफलता अर्जित की। उसने पूर्व बंगाल में जमींदारी ही दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा करते थे, यानी कि जमींदार जो होते थे वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों का निपटारा करते थे। दीवानी मुकदमों का संबंध होता था, आप ये एक तरह से समझ सकते हैं कि जो भी लगान से संबंधित या ज़मीन से संबंधित इस तरह के जो विवाद होते थे, संपत्ति से संबंधित, वो सारे दीवानी मुकदमों के अंतर्गत आते थे। और वही फौजदारी जो मुकदमे होते हैं, हत्या, चोरी, डकैती, लड़ाई, झगड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं फौजदारी मुकदमों के अंतर्गत आती हैं, और इन दोनों ही मुकदमों का निपटारा जो है पहले जमींदार करते थे। मध्यस्थता का बहुत प्रचलन था। न्याय के क्षेत्र में धन का प्रभाव अधिक था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था में सुधार हेतु मुगलों की न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। ठीक है, 1772 में उसने प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना कर दी। प्रत्येक ज़िले में, याद रखना, दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन होता था, ठीक है, और फौजदारी कानून जो है एक अलग से उसके लिए सपरिषद व्यक्ति गठित किया गया था, और उनके साथ साथ मुफ्ती और काजी भी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, फौजदारी न्यायालयों के लिए हिंदुओं पर हिंदू विधि से तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि से कानून जो है लागू किए जाते थे। जो भी हिंदुओं का हिंदू ला है उसके अनुसार, और मुसलमानों का जो मुस्लिम ला है उसके अनुसार लागू किया जाता था, जैसा कि मुगल काल में था। इसीलिए उसने मुगलों की न्याय प्रणाली ये कहा कि अपनाई। ठीक है, इस प्रकार का ये स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट है, इस न्यायालय में 500 रुपये तक के मामले सुने जा सकते थे, यानी कि जो जिला की दीवानी अदालत होती थी वहाँ पर 500 रुपये तक के क्या किए जाते थे, मामले सुने जाते थे। इससे ऊपर एक सदर दीवानी अदालत होती थी, जिसमें कि आप यदि संतुष्ट नहीं है, जैसे अभी होता है हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, जिला जिला में किया तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये किया कि आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन जो उसका न्याय मुकदमा है वो 500 के ऊपर होना चाहिए। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता परिषद का प्रधान और 2 अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी न्यायालय एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था। अब जो जिला फौजदारी न्यायालय है या निजामत न्यायालय है जो मैंने बताया, वो एक किसके, भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, और उसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। ठीक है, ये हमने अभी बताया था। इस न्यायालय में मुस्लिम कानून लागू होता था। मृत्युदंड, संपत्ति की जब्ती का दंड सदर निजामत न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाता था, यानी कि मृत्युदंड की बात हो या संपत्ति की जब्ती की कुर्की की बात हो, तो ये सदर निजामत अदालत जो है, जिस प्रकार से सदर दीवानी अदालत थी जिला अदालत के ऊपर, उसी प्रकार से सदर निजामत अदालत भी बनाई गई जिला निजामत अदालत या फौजदारी अदालतों के ऊपर। तो इन दंडों का को जब तक ये प्रमाणित नहीं करता था सदर निजामत न्यायालय, तब तक ये दंड जो है लागू नहीं होते थे। इसके अलावा जिला निजामत न्यायालय से सदर निजामत न्यायालय में अपील हो सकती थी।
सदर निजामत न्यायालय का अध्यक्ष उप निजाम होता था। उसकी सहायता के लिए एक मुख्य काजी, एक मुफ्ती तथा 3 मौलवियों की व्यवस्था थी। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को सदर निजामत के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार था। ठीक है, तो जो कलकत्ता परिषद थी उसको और उसके प्रधान को इन न्यायालयों का निरीक्षण करने का जो है अधिकार दिया गया था। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और न्यायिक सुधार। इस एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय बनाने की बात कही गई थी इस एक्ट में, और उसके जरिए बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले भारतीय तथा अंग्रेज थे, और बाहर से अगर कोई दोनों पक्ष आ रहे हैं और दोनों पक्ष अपना मुकदमा जो है यहाँ सुनवाना चाहते थे तो वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते थे, लेकिन बिना दोनों की रजामंदी के यह कोर्ट जो है दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोगों पर अपना कानून या न्याय व्यवस्था या न्याय नहीं करता था। ठीक है, तो याद रखना कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें कलकत्ता से बाहर के भारतीयों के झगड़ों को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इस संबंध में स्वीकृति दें, यानी कि दोनों पक्षों का स्वीकृत देना आवश्यक था कि नहीं, हम दोनों लोग चाहते हैं कि हमारा मुकदमा जो है इसी न्यायालय में सुना जाए। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, जबकि सदर निजामत और सदर दीवानी न्यायालयों में हिंदू तथा मुस्लिम कानून लागू होते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे चलकर इन न्यायालयों, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालयों का कार्य क्षेत्र आपस में टकराने लगा, जिसकी वजह से कई विवाद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए वो थे एलिजा इम्पे, ये यहाँ पर इम्पे लिखा है। ठीक है, मैं लिख दूँ एलिजा इम्पे, ये थे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस टकराव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी कि एलिजा इम्पे को सदर दीवानी न्यायालय का 5,000 रुपये मासिक पर अधीक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि एलिजा इम्पे से काफ़ी ज़्यादा वारेन हेस्टिंग्स को दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने क्या किया कि सदर दीवानी न्यायालय का इस एक तरह से अधीक्षक जो है 5,000 रुपये मासिक पर नियुक्त कर दिया, किंतु डायरेक्टरों ने इस समाधान को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार न्याय प्रणाली में उक्त द्वैधता चलती रही, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय सुप्रीम कोर्ट और सदर निजामत अदालत या फौजदारी दीवानी अदालत जो होती थी इनके कार्य क्षेत्र आपस में टकराते थे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई रेगुलेटिंग एक्ट में तो उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी संपूर्ण संरचना के बारे में कि वो किस प्रकार से कार्य करेगी, इन बातों का जिक्र जो है उसमें नहीं किया गया, इसीलिए टकराव की स्थिति बनी रही और वारेन हेस्टिंग्स के समय तक ये पूरे कार्यकाल में इस प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं। अब नेक्स्ट है वाणिज्यिक सुधार, यानी कि व्यापार संबंधित उसने क्या क्या सुधार किए। वारेन हेस्टिंग्स ने आंतरिक व्यापार के क्षेत्र में उपस्थित व्यवधानों को दूर करने का प्रयास किया। उसके प्रयासों के तहत जमींदारों के क्षेत्रों में स्थित शुल्क क्रय बंद कर दिए गए। अब केवल 5 जो है शुल्क क्रय रह गए, कौन कौन से, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। तो ये सिर्फ 5 क्षेत्र रह गए जहाँ पर जो है शुल्क या टैक्स वसूल किया जाता था। ठीक है, याद रखना कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये तो चारों हो गए बंगाल के, और ये पटना यानी बिहार, क्योंकि उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र मिलकर के क्या बनता था, बंगाल कहलाता था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 3 हो गए, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ का ढाका राजधानी भी है, इस प्रकार से याद रखिएगा, और एक बिहार का पटना। तो ये 5 जो है चुंगी
शुल्क गृह स्थापित किए गए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और शुल्क अब केवल जो है 2.5% रह गया। इसकी अदायगी सबके लिए अनिवार्य कर दी गई। कर्मचारियों के निजी व्यापार पर अंकुश खड़ा कर दिया गया। ये लोग दस्तक दिखा करके निजी व्यापार करते थे, फिर क्लाइव ने उसको दस्तक को समाप्त कर दिया, लेकिन निजी व्यापार तब भी ये करते थे। तो इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने निजी व्यापार से क्या है कि ये कंपनी की तरफ कम ध्यान देते थे, जिससे कंपनी को नुकसान होता था। इसलिए इन्होंने निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन फिर भी निजी व्यापार जो है बंद नहीं करा पाया। कहीं किसी न किसी रूप में निजी व्यापार जो है अंग्रेजों के द्वारा चलता रहा। कंपनी के गुमास्तों द्वारा चूल्हों का शोषण भी बंद करवा दिया गया। तिब्बत और भूटान से व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो कि वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या था, मुगल बादशाह था, ठीक है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत में उस समय यदि कोई एक बादशाह था जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था, तो वो था शाह आलम द्वितीय, जो कि निहायत ही कमज़ोर शासक साबित हुआ था। उस समय जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो थे मराठे। तो अब शाह आलम द्वितीय के साथ किस प्रकार की नीतियाँ थी वारेन हेस्टिंग्स की, देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले 26 लाख रुपए वार्षिक की सम्राट को दी जाने वाली राशि बंद कर दी। ये भी तर्क था कि इस समय तक सिंधिया जो है, मराठों में सिंधिया जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और उनका दिल्ली में अधिकार भी हो गया था। तो वो शाह आलम द्वितीय को एक तरह से संरक्षकता जो है वो मराठों के द्वारा ही दी जा रही थी, और उसको दिल्ली का नवाब जो है फिर से स्थापित किया गया था। तो जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग्स ने ये कहा कि मेन कारण यही था कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसी वजह से उसके 26 लाख रुपए जो दिए जाते थे, हम लोगों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान देखा था, तो वो जो है अब बंद कर दिया। इस कृत्य के पीछे तर्क यह दिया गया कि यह दीवानी उन्हें सम्राट की कृपा से नहीं वरन अपनी शक्ति से प्राप्त हुई है, और ये कहने लगे कि ये दीवानी हम लोगों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की इस वजह से हमको प्राप्त हुई है, ना कि सम्राट ने कृपा के रूप में हम पर ये प्रदेश जो है इन क्षेत्रों की दीवानी हमें सौंपी थी। हेस्टिंग्स ने नवाब से इलाहाबाद और करा के जिले भी वापस ले लिए, जो हम लोगों ने देखा था। और फिर बाद में 50 लाख रुपए में किसको भेज देता है, अवध के नवाब को फिर से सौंप देता है वारेन हेस्टिंग्स। तो विवाद यही था कि शाह आलम द्वितीय जो है वो मराठों के आधिपत्य क्षेत्र में चला जाता है, जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग्स इस प्रकार के कदम उठाने प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स तथा अवध। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के संबंध में क्लाइव द्वारा अपनाई गई मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट की नीति को अपनाया। बफर स्टेट यानी मराठों से हमारे क्षेत्र की, मतलब अंग्रेजों के क्षेत्र यानी बंगाल की सुरक्षा हो सके, और उसके बीच में ये अवध राज्य पड़ता था, तो ये जो है एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था, यानी कि मराठों और कंपनी के बीच में एक अन्य राज्य का होना, ठीक है, जो था कि अवध। मराठों के भय के कारण उसने अवध के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने की सोची, क्योंकि उस समय भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है मराठे ही थे। 1773 में उसने अवध के नवाब से बनारस की संधि की। इलाहाबाद तथा कारा के जिले नवाब को 50 लाख रुपये में दे दिए। साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी धन के बदले नवाब को सैनिक सहायता भी प्रदान करेगी, ठीक है। यह भी निश्चित किया गया कि धन के बदले नवाब को सैनिक सहायता प्रदान करेगी। अंग्रेजी फौज, ठीक है। तो एक प्रकार से अवध को जो है हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाता है। बाद में बनारस जो है बनारस का क्षेत्र भी
वारेन हेस्टिंग्स अपने कब्जे में ले लेता है और उसके बाद चेत सिंह के साथ उसका युद्ध होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।